दो दिन से चल रही बैंकों की हड़ताल के चलते आज दूसरे दिन आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके चलते बैंकों के एटीएम में पैसे भी नहीं निकल पा रहे। कई बैंकों के एटीएम बंद पड़े हैं तो किसी में पैसे नहीं हैं। यहां लोग एटीएम के चक्कर काट रहे हैं। किसी किसी एटीएम में 100-100 के नोट तो निकल रहे हैं लेकिन उसकी सीमा भी 4000 है। ऐसे में अधिकांश एटीएम बंद होने से या पैसे न होने के चलते आम जन को परेशानी हो रही है। वहीं बैंक अधिकारी का कहना है कि सरकार को बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्ते में सुधार की मांग के चलते यह हड़ताल रखी गई थी। लेकर आप हड़ताल पे हैं सब लोग? बैंक कर्मचारियों के वेतन भत्तों में सुधार की मुख्य मांग है और आईबीए ने 2% का बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था जो बैंक कर्मचारियों को सेवा शर्तों को उसको देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है। इस कारण से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कदम होगा आपका आगे? स्ट्रेटजी देखो, बैंक यूनियंस की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है वो क्या रहती हैं। हम लोग एग्जीक्यूटिव ग्रुप से हैं तो हम लोग स्ट्राइक नहीं करते। सब बैंकों में हड़ताल है? हाँ जी, करीब सभी बैंकों में स्ट्राइक है। और जैसा कि कल की न्यूज़ में भी देखा था, क्लियरिंग हाउस वगैरह सारे ठप हो गए हैं। तो मामला सर ठप पड़ा है अभी तक कोई? अभी हाँ, अभी सारी बैंकें बंद हैं। अभी करीब कितने तक का नुकसान हो जाएगा सर? अंदाजन नुकसान का तो खैर मालूम नहीं कर सकते। मुख्य रूप से विड्रॉल का तो काम हो जाएगा। अभी विड्रॉल का तो निकाल लेंगे, ATM के पैसे हैं, अभी चल रहा है काम। बाकी तो और जो मुख्य कर्मचारियों की पब्लिक की जो भी वो है सेवाएं वो ठप। क्या नाम है सर आपका? अजीत जैन, मैं मुख्य प्रबंधक हूँ। एटीएम से पैसे निकलवाने आए एक व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह से एटीएम के चक्कर लगा चुका है लेकिन पैसे नहीं निकल पाए। मनुमार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर पैसे ना होने के चलते उसे निराश लौटना पड़ा। एटीएम में पैसे 100-100 रुपए के नोट हैं, एक बार में 4000 से ज़्यादा नहीं निकल रहे। ज़्यादा निकालने के लिए दोबारा जो है निकालने पड़ते। पैसे नहीं निकल रहे और ज़्यादा? बड़े नोट नहीं है, 100-100 के ही नोट हैं। बड़े नोट है ही नहीं? 500 के, 1000 के नोट नहीं है? सिर्फ 100 के नोट हैं। क्या लगता है एटीएम में पैसे हैं या नहीं है? सारे एटीएम में पैसे नहीं है और जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसके अंतर्गत ये है कि पेट्रोल डलाने की वजह से आदमी एटीएम की सुविधा इसलिए रखती है कि भी कभी भी 24 घंटे में भारत सरकार के खिलाफ पैसे निकाल ले बैंक में से। लेकिन जब एटीएम में रात को जब सुबह सो के उठे तो बैंक के अंदर किसी के अंदर पैसा ही नहीं है तो पेट्रोल डलाने के लिए भी आम आदमी को परेशानी हो रही है। और कहीं हॉस्पिटल वगैरह जाना हो तो साधन में कैसे जाए आदमी जब तक अपना साधन नहीं हो? और जब विकास के नाम पर दूर दूर मकान बन जाते हैं तो वहाँ तो एक पेट्रोल एक आदमी की बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और जब तक एटीएम में से पैसे नहीं डलेंगे तो पेट्रोल नहीं डला पाएगा। और आम आदमी का जो एटीएम था जो बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं मनुमार्ग वाला बंद पड़ा है? बंद पड़े हैं, इसमें कहीं पैसे नहीं। बैंक भी बंद पड़ा है? बैंक ही बंद पड़े हैं सारे, बाहर हड़ताल कर रहे हैं लोग। हड़ताल करने